ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद एल्विश यादव को अब गुरुग्राम पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आने की तैयारी कर रही है। 7 मार्च को एल्विश यादव द्वारा यूट्यूबर मैक्सटन उर्फ सागर ठाकुर के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। इसके लिए पुलिस प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सेक्टर 53 थाना प्रभारी ने बताया कि मैक्सटन के साथ मारपीट करने के मामले में एल्विश यादव आरोपित है। शिकायत मिलने के बाद जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए एल्विश के स्वजन को नोटिस दिया गया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर कहासुनी होने के बाद 7 मार्च की रात को एल्विश यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर मैक्सटर्न के साथ मारपीट की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एल्विश यादव और मैक्सटर्न के बीच समझौता भी हो गया था। इसके बाद एल्विश यादव ने एक्स पर सभी से माफी मांगते हुए वीडियो पोस्ट की थी। बिग बॉस ओटीटी विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दूसरे देश के सांपों का गाने में इस्तेमाल को लेकर भी अदालत में याचिका दायर करने वाले सौरभ गुप्ता ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बिना सुरक्षा के मामले में पैरवी करने से असमर्थता जताई है। इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होनी है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है। पीएफए के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा को पत्र लिखकर कहा है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार धमकी मिल रही है। केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अदालत में मामले की पैरवी के लिए आने जाने के दौरान सिद्धू मूसेवाला या नफे सिंह जैसी हमला भी उनके साथ हो सकता है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए लिखा है। अदालत ने इस मामले में पुलिस आयुक्त को मामले की जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया है।